शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम लोग समझ सको। ऐ पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं, और तुम इससे पहले बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रही है। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और इसी तरह अल्लाह तुम्हें बरगुजीदा व मुमताज करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा पर, दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी, उसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। हाँ, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तस्करा किया कि यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा खुली गलती पर हैं। यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम नेक लोगों में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से न मारो, किसी अंधे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर उसे निकालकर किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना ही है तो यूं करो। ये मशवरा करके वो अपने वालिद से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैर खा हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि ये अम्र मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में, कि हम एक ताकतवर जमात हैं, उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। गरज जब वो उसको ले गए और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि उसको अंधे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उन्हें उनके इस सुलूक से आगाह करोगे और उनको इस वही की कुछ खबर ना होगी। और ये हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए, कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात को, गो हम सच ही कहते हैं, बावर नहीं करेंगे, और उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का लहू भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र कि वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद चाहिए। और अब अल्लाह की शान देखो कि उस कुएं के करीब एक काफिला आवारिद हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सक्का भेजा, तो उसने कुएं में डोल लटकाया, यूसुफ उससे लटक गए। वो बोला, जहे किस्मत, ये तो एक लड़का है और इसको कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया, और जो कुछ वो करते थे अल्लाह को खूब मालूम था, और उन्होंने उसको थोड़ी सी कीमत यानी मादूद चंद दरहमों पर बेच डाला, और वो उससे बेजार हो रहे थे। और मिस्र में जिस शख्स ने उसको खरीदा उसने अपनी बीवी से, जिसका नाम जुलेखा था, कहा कि उसको इज्जत इकराम से रखो, अजब नहीं कि ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना ले। इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगह दी, और गरज ये थी कि हम उनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उनको दानाई और इल्म अता किया, और नेकूकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियाँ तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। और उस औरत ने उनका कस्त किया और उन्होंने उसका कस्त किया। अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी न देखते तो जो होता सो होता। यूं इसलिए किया गया कि हम उनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ पीछे जुलेखा।
और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खाविंद मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी इसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए या उसे दुख का अजाब किया जाए। यूसुफ ने कहा इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। और उसके खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा है और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा है। सो जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग बेशक खता तेरी ही है। और शहर में औरतें गुफ्तगुएं करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर रही है। हम देखती हैं कि वो खुली गुमराही में है। फिर जब जुलेखा ने उन औरतों की गुफ्तगु जो हकीकत में दीदार यूसुफ के लिए चाल थी सुनी तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरत्तब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि उनके सामने आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो उनका रोबे हुस्न उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठी कि अल्लाह पाक है ये आदमी नहीं ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा तो ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा मगर ये बचा रहा और अगर ये वो काम न करेगा जो मैं इसे कहती हूं तो कैद कर दिया जाएगा और जलील होगा। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है और अगर तू मुझसे इनके फरेब को न हटाएगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनसे औरतों का दांव डाल दिया। बेशक वही तो सुनने वाला है जानने वाला है। फिर बावजूद इसके कि वो लोग उनकी बेगुनाही के निशान देख चुके थे उनकी राय यही ठहरी कि कुछ अरसे के लिए उनको कैद ही कर दें और उनके साथ दो और जवान भी दाखिले जिंदा हुए। एक ने उनमें से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है देखता क्या हूं कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है मैं ये देखता हूं कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं और परिंदे उनमें से खा रहे हैं तो हमें इनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेकुकार देखते हैं। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं उससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा। ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई है। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं मैंने उनका मजहब छोड़ दिया है और मैं अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब पर चलता हूं। हमें शाया नहीं है कि किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक बनाए ये अल्लाह का फजल है हम पर भी और लोगों पर भी लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको भला कई जुदा जुदा आका अच्छे या अल्लाह जो अकेला है सब पर गालिब है। जिन चीजों की तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो वो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। सुन रखो कि अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है। उसने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो यही सीधा दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको तुम में से एक जो पहला ख्वाब बयान करने वाला है वो तो अपने आका को शराब पिलाया करेगा और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच खाएंगे। जो बात तुम मुझसे पूछते थे वो फैसल हो चुकी है और उन दोनों में से जिसकी निस्बत यूसुफ ने ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर शैतान ने उसे उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ कई बरस कैदखाने ही में रहे। और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है देखता क्या हूं कि सात मोटी गायें हैं जिनको सात दुबली गायें खा रही हैं और सात खोशे सब्ज हैं और सात खुश्क। ऐ दरबारियों अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा ये ख्वाब तो परेशान ख्याली से हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती और वो शख्स
جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیجئے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گائےوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی کو خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے سات سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مے برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ سو جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ اللہ پاک ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چال۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت ہو اور صاحب اعتبار ہو۔ یوسف نے کہا، مجھے زرعی پیداوار پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے، تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لے کے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ اب اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو پھسلائیں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ بس جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے، ابا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ بس جب انہوں نے والد کو اپنا قول دیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے، اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو،
ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ کی تقدیر کو تو تم سے روک نہیں سکتا بے شک حکم اللہ ہی کا ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے ان کے والد نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں آپ کھورا رکھ دیا پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والوں تم تو چور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے وہ بولے کہ بادشاہ کا کٹورا کھویا گیا ہے اور جو شخص اس کو لے کے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام اور میں اس کا ضامن ہوں وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے تھیلے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتی ہیں پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا یعنی زیر لب کہا کہ تم بڑے برے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں آخر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے اور ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر ہائے افسوس اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا بیٹے کہنے لگے کہ واللہ آپ تو یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے بیٹو یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے
यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ। और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकुकारों का अजर जाया नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुमको मुआफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ, फिर इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना तो वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। और जब काफला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह आप उसी कदीम गलती में मुब्तला है। अगर जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने कुर्ता उनके मुंह पर डाल दिया सो वो बीना हो गए, और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? बेटों ने कहा कि अब्बा, हमारे लिए हमारे गुनाह की मगफिरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। फरमाया, मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। फिर जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो अमन अमान से रहिएगा। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब उनके आगे सजदे में गिर पड़े। और उस वक्त यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको कैदखाने से निकाला, और उसके बाद के शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहां लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। जब ये सब बातें हो ली तो यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझको हुकूमत से नवाजा और ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। तू मुझे दुनिया से अपनी इताअत की हालत में उठाइयो और आखिरत में अपने नेक बंदों में दाखिल कीजो। ऐ पैगंबर, ये अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं। और जब ब्रादरान यूसुफ ने अपनी बात पर इत्तेफाक किया था और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास तो न थे? और बहुत से आदमी वो तुम कितनी ख्वाहिश करो ईमान लाने वाले नहीं है, और तुम उनसे उस खैर खाही का कुछ सिला भी तो नहीं मांगते। ये कुरान और कुछ नहीं, तमाम जहानों के लिए नसीहत है। और आसमानों जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर से ये गुजरते हैं और उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और ये अक्सर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर इसके साथ शिर्क भी करते हैं। तो क्या ये इस बात से बेखौफ हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होकर इनको ढांप ले, या इन पर नागहा कयामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो? कह दो, मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ समझ बूझ कर, मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरे पैराव भी, और अल्लाह पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं। और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर सियाहत नहीं की कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ? और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है, क्या तुम समझते नहीं? यहाँ तक के जब पैगंबर नाउमीद हो गए और उन्होंने ख्याल किया कि अपनी नुसरत के बारे में जो बात उन्होंने कही थी उसमें वो सच्चे ना निकले, तो उनके पास हमारी मदद आ पहुंची। फिर जिसे हमने चाहा बचा दिया, और हमारा अजाब उतर कर गुनाहगार लोगों से फेरा नहीं करता। इनके किस्से में अक्लमंदों के लिए इबरत है। ये कुरान ऐसी बात नहीं है जो अपने दिल से बनाई गई हो, बल्कि जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करने वाला है और हर चीज की तफसील करने वाला, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है।